आप यहाँ? असलियत सामने आ गई तो दम दबाकर भाग गया हाँ? इतना छोटा था तेरा प्यार कि उसकी हकीकत के सामने दब गया? मुझे पहले नहीं पता था कि वो विधवा है, और मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब देता? अपने माँ बाप से पूछकर प्यार करने गया था क्या हाँ? उस दिन जब तेरे जज्बात भड़के थे, जब तूने मेरी लड़की को छुआ था, उस दिन तुझे इस खानदान का कोई ख्याल नहीं आया? बड़ा मर्द समझता है अपने आप को। अरे वो लड़की नेक है, उसके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच तेरे सामने खोल कर रख दिया। सिर्फ इसीलिए कि वो अपना गम तेरे साथ बांटना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए कि वो तुझे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, और तूने उसके प्यार का ये सिला दिया। साले खुद कर्ज मर्द, एक विधवा के साथ रात गुजारने के लिए सब तैयार हो जाते, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए कोई सामने नहीं आता, कोई नहीं। लेकिन नमो मैं... अरे चल बात मत कर, ये जो तू सड़कों पे करता फिरता है ना ड्रामेबाजी, सारी दुनिया को सिखाता है। अरे पहले खुद तो सीख, तू क्या किसी विधवा से शादी करेगा? जा जा किसी ऐसी लड़की से शादी कर जो कुंवारी है, और शादी की रात उससे जरूर पूछना कि उसने शादी से पहले किसी के साथ रात बिताई है या नहीं, और अगर रातें बिताई है ना तो फिर भी उसका जवाब ना ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो भगवान है ना, ये लाखों में सिर्फ एक लज्जी बनाता है, सिर्फ एक। डोंट ट्राई टू टीच मी। एक विधवा को इस घर की बहू बनाकर समाज और सोसाइटी के सामने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ा देना चाहते हो? इस घर की मान मर्यादा को अपने पैरों तले कुचल देना चाहते हो? तो साहबजादे, यह इज्जत मैंने एक दिन में नहीं कमाई है, बरसों लगे हैं बरसों इस मकाम तक पहुंचने के लिए। खेल तमाशा करते करते नुक्कड़ों पर तुम्हारी जिंदगी खुद एक तमाशा बनकर रह गई है। जानते हो तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से क्या होगा? जानते हो तुम्हारी बहन का रिश्तेदार आने वाले इस दर से वापस लौट जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, और तुम्हारी बहन हमेशा हमेशा। पापा भगवान ना करे शादी के बाद आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि दोबारा आपकी बेटी का कोई हाथ थर? अपने ये गंदे ख्याल नौटंकी में जाकर उन लोगों को सुनाओ जो फुटपाथ पर खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनकर अपना वक्त खराब करते हैं। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट कीमती है, कीमती। इसलिए मैं तुम्हें कम शब्दों में और थोड़े वक्त में एक बात बता देना चाहता हूं कि इस घर के अंदर कोई विधवा बहू बनकर नहीं आएगी, समझे? नमो मैं। अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो खत्म हो गया, चले जाओ, बस चले जाओ यहाँ से। नमो प्लीज, नमो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से लज्जी को जो दुख पहुंचा है, जो तकलीफ हुई है, उसके बदले में तुम जो चाहो वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे जो इंसान खुद समाज की जंजीरों में कैद है, उसे कोई क्या सजा देगा? समाज की जंजीरें तो कुछ भी नहीं है नम्मो, मैं तो रिश्तों की जंजीरें तोड़कर आया हूँ, अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ मैं। क्या नम्मो, तुम इसे मेरी कमजोरी कह लो या बुजदिली, जो मैं लज्जी की भावनाओं को समझ नहीं सका, हकीकत का सामना नहीं कर सका। नम्मो मैं लज्जी को अपनाने आया हूँ, अब ना मुझे किसी की परवाह है ना डर, बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं लज्जी से ही शादी करूंगा, और मैं जानता हूं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो नम्मो, सिर्फ तुम। प्लीज प्लीज नम्मो। ये क्या कर रहे हो तुम?
अरे मैं तो तुझे डरपोक समझती थी, लेकिन तू तू तो बड़ा दिल वाला निकला रे। बिल्कुल मेरी तरह। गुड, कीप इट अप। लेकिन बेटे अभी झुक गए तो झुक गए, शादी के बाद मत झुकना। अरे जाकर दुल्हन को लेकर आओ, यही फेरे लगवा देते। हाँ, मैं लड़के वाला और तुम लड़की वाली। लज्जी की शादी क्या ऐसे ही हो जाएगी? अरे उसकी शादी के लिए तो मैं इस घर को दुल्हन की तरह सजाऊंगी। उसकी शादी मैं इतनी धूमधाम से करूंगी कि तकदीर ने जो उसके साथ खेल खेला है ना, वो तकदीर भी शर्मिंदा हो जाएगी। विकी, विकी स्विट्जरलैंड की टिकटें कैंसिल नहीं होंगी, सिर्फ सिर्फ तारीख बदल जाएगी, सिर्फ तारीख। मैं अभी आती हूँ। I'll just be back, yeah?